नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी, आज आप क्या नया लाई है हमारे लिए? एक नई कहानी। वाह, किस महान राजा की कहानी सुनाने वाली हो आप? आज किसी राजा की नहीं, ये कहानी है एक राजकुमार की, कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। सुनोगे उनकी कहानी? गौतम बुद्ध की कहानी? दीदी, गौतम बुद्ध भी एक राजकुमार थे? हाँ, तो सुनो उनकी कहानी। हाँ सुनाइए। गौतम बुद्ध का नाम उनके माता पिता ने सिद्धार्थ रखा था, क्योंकि वे एक राजा के पुत्र थे, यानी राजकुमार थे, तो राजगद्दी और ऐशो आराम की जिंदगी तो उन्हें विरासत में ही मिली थी। पर वे ये सब त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज में निकल गए थे। अब पैदा होने से ही मखमली कमरों से, जो राजकुमार कभी बाहर ही ना निकले हों, वे कुछ ही दूर घने जंगलों में पैदल सफर करते करते थक गए। और फिर कुछ दिन कुछ दूरी पार करके जब उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, तो बार बार उनके मन में यही विचार आ रहा था कि क्यों ना वापस राजमहल ही चला जाया जाए। फिर भी वो कुछ दिनों तक जंगल में भटकते रहे, पर अंततः एक दिन उन्होंने अपने राज्य कपिलवस्तु की ओर लौटने की ही ठानी। क्योंकि अब तक वे जंगल में काफी गहरे जा चुके थे, सफर लंबा था और राह पर चलते चलते उनको प्यास भी लगने लगी थी। और तभी मार्ग में उन्हें एक बहुत अच्छी साफ झील दिखाई थी। वे तुरंत उसके किनारे पर जा पहुंचे और पानी पीकर तृप्त हो गए। फिर वे कुछ देर वहीं बैठ गए। किनारे पर बैठे बैठे उनका ध्यान पता है किस पे पड़ा? किस पे दीदी? एक गिलहरी पर। गिलहरी? हाँ, वह गिलहरी झील के पास बार बार जाती और अपनी पूंछ झील के पानी में डुबोकर उसे किनारे की सूखी मिट्टी पर झड़क देती। हैं? दीदी, गिलहरी ऐसा क्यों कर रही थी? आपकी ही तरह सिद्धार्थ को भी समझ में नहीं आया कि गिलहरी क्या कर रही है। परंतु उस युग में पशु पक्षी और मनुष्य आपस में बात कर सकते थे, मनुष्यों को तब यह विद्या आती थी। तो फिर सिद्धार्थ ने गिलहरी से पूछ ही लिया होगा ना? हाँ बिल्कुल पूछ लिया, जिस पर गिलहरी बोली, मैं इस झील को सुखा रही हूँ। ये बात सुनकर राजकुमार अचंभित हो गए और बोले, माफ करिएगा, परंतु यह काम तो आपसे कभी ना हो पाएगा। भले ही आप हजारों बरस तक जियो और करोड़ों अरबों वर्षों तक अपनी पूंछ पानी में डुबो डुबो कर यूं ही झड़को, पर ये झील तो बिल्कुल नहीं सूखेगी ऐसे। तो जानते हो गिलहरी ने इसका क्या उत्तर दिया? क्या? गिलहरी बोली, आप ही ऐसा मानो राजकुमार, मैं नहीं मानती। मैं तो ये जानती हूँ कि मन में जिस भी कार्य के करने की पूर्ण निष्ठा हो, उस पर अटल रहने से वह किसी भी हालत में हो ही जाता है। बस इसीलिए मैं तो अपना काम करती रहूंगी, आप चाहे जो भी सोचें। और फिर वह फुर्ती से वही कार्य दोहराने लगी। गिलहरी की यह बात सिद्धार्थ के मन में गड़ गई और अपने मन की निर्बलता को दूर कर उन्होंने राजमहल जाने का विचार त्याग दिया और वे भी पलटे और फिर जंगल की ओर दूर निकल पड़े। खत्म कहानी। क्या सोच रहे हो? यही कि दीदी, हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, उसको पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और समाज की बातें सुनकर हमारे विश्वास को गिरने नहीं देना चाहिए। डट कर मेहनत करने से हम कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जैसे उस दिन अगर कुमार सिद्धार्थ राजमहल लौट जाते, तो वे कभी भी गौतम बुद्ध नहीं बन पाते, ना ही ज्ञान की खोज कर पाते। बच्चों, किसी भी क्षण आपको अगर सफलता दूर लगे या ऐसा लगे कि जो कार्य आप कर रहे हो
वो तो असंभव है, आपसे हो ही नहीं सकता, आपके बस का ही नहीं है। तो याद रखना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और उस गिलहरी से प्रेरणा लेना जिसने एक सुकुमार को गौतम बुद्ध बनने की प्रेरणा दी, समझे? हाँ, अगर हम मन में कुछ ठान लें और पूरी लगन से उस कार्य को दुनिया और अपने मन की नकारात्मकता से परे रहकर करें, तो हमें भी सफलता जरूर मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कार्य कितना भी कठिन दिखे, है ना दीदी? एकदम सही। अपने जीवन में भी सीख को उतारना, तो देखना आप सब लोग भी बड़े होकर अपने अपने विषयों में कितने आगे बढ़ोगे, गौतम बुद्ध की तरह। हाँ बिल्कुल। और आज की कहानी में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।